नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पर वीडियो। आज हम सब जानेंगे विश्व शतरंज दिवस, इसके इतिहास और भारत के महान शतरंज के खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शतरंज के इतिहास से। तो शतरंज एक प्राचीन खेल है। शतरंज का सबसे पहला वर्णन वह शतरंज सूत्र में मिलता है जो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें शतरंज के नियमों और चालों का वर्णन है। शतरंज भारत से अरब और फिर यूरोप में फैल गया। आज यह दुनिया भर में खेला जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेन मुद्दा, विश्व शतरंज दिवस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में 15 देशों की प्रतिनिधियों ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ एक गैर सरकारी संगठन है जो शतरंज के खेल को बढ़ावा देता है और नियमों और मानकों को निर्धारित करता है। चलिए अब जानते हैं शतरंज ओलंपियाड के बारे में। दोस्तों, शतरंज ओलंपियाड शतरंज का एक फेमस टूर्नामेंट है और यह शतरंज के खेल को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह टूर्नामेंट दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाता है और यह शतरंज के खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत सन 1927 में हुई थी। इसका पहला टूर्नामेंट लंदन में आयोजित किया गया था। तब से शतरंज ओलंपियाड हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, हमें भारत पर गर्व है कि हमारे भारत देश ने कई महान शतरंज के खिलाड़ी दिए हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ियों के बारे में। विश्वनाथ आनंद, हरी कृष्णा, रमेश बाबू, डी गुके भारत के अनुभवी शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।